आज इस बात की जरूरत है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, ताकि मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों के लिए पृथ्वी युगों तक रहने योग्य रहे। हालांकि हमारे अंदर अपने निहित स्वार्थों के लिए जंगलों को खत्म करने की धुन सवार है, मगर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अधिक से अधिक पौधे लगा रहे हैं। डॉक्टर गुरमुख सिंह भी इनमें शामिल हैं। गुरमुख सिंह को हरियाली और बागवानी से विशेष लगाव है। वे पिछले 35 सालों से बोनसाई तकनीक की मदद से बागवानी कर रहे हैं, जिसे जापानी पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। इस तकनीक के जरिए छोटे छोटे गमलों में बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। इन पौधों को विशेष पोषण दिया जाता है, जिसके कारण वे छोटे गमलों में भी अच्छी तरह विकसित होते हैं। मेरे पास लगभग 1500 पौधे हैं। पौधों को बहुत कम ऊंचाई पर एक ट्री पर उगाया जाता है। इस ट्री को बोन कहा जाता है और इसमें उगने वाले पौधों को साई कहा जाता है। इन पौधों को जीवित रखने के लिए उनका रख रखाव जरूरी है। इन पौधों में खाद केवल तरल रूप में दी जाती है। प्रोफेसर गुरमुख सिंह ने 130 गज के अपने घर की छत पर बोनसाई विधि से 1500 पौधे लगाए हैं। इनमें पौधों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो या तो लुप्त प्राय है या विलुप्त होने की कगार पर है। जब हम कोई निर्माण कार्य शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम उस स्थान पर मौजूद सभी पेड़ों को काटते हैं। इस कारण से पंजाब में कई पौधे अब विलुप्त हो चुके हैं। मैं अपनी माँ से प्रेरित था। बाद में हमारे पास एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इस बगीचे को बनाया था। वह अब अमेरिका चले गए हैं। पिछले 20 वर्षों से हमने पंजाब विश्वविद्यालय में फूलों की प्रदर्शनी के दौरान बोनसाई श्रेणी के फूलों का प्रदर्शन किया। अब लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है और मैं भी लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रोफेसर गुरमुख सिंह के अनुसार पौधे न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हमारे मानसिक तनाव को कम करने में भी हमारी मदद करते हैं और हमें कई बीमारियों से दूर रखते हैं। पौधे हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। पौधों से कई फायदे होते हैं। हर दिन आपको कुछ नए फूल और पत्ते देखने को मिलते हैं। जब आप इन पौधों के साथ एक रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो यह आपको बहुत खुशी देता है। पौधों से दोस्ती हमारे और हमारे आसपास के लिए भी अच्छी है। यहाँ तक कि अगर यह आधा किलोग्राम ऑक्सीजन देता है, तो हमारे लिए इन कंक्रीट के जंगलों में रहना पर्याप्त है। प्रोफेसर गुरमुख सिंह को ये सब अपनी माँ से विरासत में मिला है और अब वह अपने बेटे को भी बागवानी से जोड़ रहे हैं। प्रोफेसर गुरमुख सिंह के बेटे को भी पेड़ पौधों से विशेष लगाव है। जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा, तो ये बगीचा उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ। मैं खुश हूँ कि मुझे बोनसाई पद्धति का उपयोग करके बागवानी की कला सीखने का मौका मिला है। जब हमने प्रदर्शनी में भाग लिया, तो लोगों ने हमारी प्रशंसा की। लोगों ने बहुत रुचि ली और हमसे पूछा कि यह कैसे बनाया गया है। उस समय हमें बहुत अच्छा लगा कि हम इस कला को जानते हैं। हमने लोगों को इसके बारे में जागरूक किया ताकि यह कला आगे बढ़ सके। हम लॉकडाउन के दौरान भी पौधों के बीच रहना पसंद करते थे। हमने इन पौधों के कारण लॉकडाउन में भी आनंद लिया। प्रोफेसर गुरमुख सिंह को अपने माता पिता से बागवानी विरासत में मिली है। अब वे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि सभी को अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।